इमरान को। इमरान खान क्यों पसंद है वो? इसलिए ना कि उसके जमाने में ना महंगाई नहीं थी। कैदी नंबर 804 को। कैदी नंबर 804। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर क्या सोचा है कि किसको दें? नून लीग। Obviously, इमरान खान और कोई है इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कावल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ N125 में, और अगर 2018 के जनरल इलेक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के नाम बताना चाहूँगी। PMLN की तरफ से वहीद आलम खान, PTI की तरफ से यास्मीन राशिद, TLP की तरफ से ममूना हामिद ने जो है वो पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, और PMLN ने 1,22,327 वोटों के साथ जो है बाकी तमाम जमातों को शिकस्त दी। इस वक्त ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, जानते हैं कि लोग इस वक्त इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त आवामी राय क्या है अपना लीडर बनाने के लिए जा रहे हैं। सर, आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? महंगाई इतनी कर दी है, किसको दें? पहले भी देते थे, मैं इससे अच्छा वोट जाया कर। हाँ जी मैम, आप किसको देंगे? हाँ जी वोट इमरान को। इमरान खान क्यों पसंद है वो? इसलिए ना कि उसके ज़माने में ना महंगाई नहीं थी, जब से ये नवाज शरीफ आया ना इसने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। हम दे हैं इमरान इसके नवाज शरीफ के, पर महंगाई की वजह से बेटा बहुत कम खराब हो गया। किसको देंगे? ऑब्वियसली इमरान खान, और कोई है इसका बिल? इमरान खान को। सर, आने वाले इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? सब एक जैसे ही हैं। सब एक जैसे हैं। आप किसको देंगे? मैं किसी को भी नहीं। हमारा तो जमात इस्लामी पेवर है। मैं जुमात इस्लामों के देना है, या दोनों को तो देख लिया। महंगाई 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 इसी दफा उसको चेक करना चाहिए, देख लो क्या करना है। मैं जुमात इस्लामी को, आप उसको आजमाएंगे? इसका आजमाएगा इंशाल्लाह, वो आएगा आगे भी आएगा। सर, आप किसको देंगे? PTI। क्यों? क्योंकि एक बंदा हमारी वजह से जो है ना अपना सब कुछ छोड़ के अल्लाह ने उसे इज्जत दी, वो दुनिया का इतना बड़ा क्रिकेटर था, इतने उसे अल्लाह ने दौलत दी, हर चीज़ दी, लेकिन वो गरीब आवाम के लिए आया था। लेकिन आज हमें दुख होता है कि उसकी हमें कदर नहीं है। वो बंदा जेल में है, हम सब अपने मज़े उड़ा रहे हैं, हम सब मज़े कर रहे हैं इधर। हमें इमरान खान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो वाहिद एक बंदा था जो हमारी फिक्र के लिए निकला था, गरीबों के लिए निकला था। आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? PTI को। PTI को। सर, आप आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? PTI। PTI को। सर, आप किसको देंगे वोट? इमरान खान को देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर कैसे हैं आप? सर, आने वाले इलेक्शंस में आप वोट किसको देने जा रहे हैं? बेटा क्या बताएं, इनका खुदा इनको हदायत दे, ये मुल्क की खातर अच्छी सोच लें। इस वक्त तो हर आदमी इनको बददुआएं दे रहा है, चाहे कोई भी है, क्या समझे। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। बस आप तो वोट जाए कर। हाँ, इनको देना ही नहीं चाहिए। आप सर नवाज शरीफ को देना क्यों नहीं वोट? समझ मुस्लिम लीग नहीं देना है। आप मुस्लिम लीग? हाँ, मुस्लिम लीग नून नू। आपने देना नहीं? जोर शोर से देना है। ये नहीं देंगे, ये इनसे झगड़ा कर लूंगा मैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं। बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर, आप किसको देंगे वोट? हम PTI को। PTI को। सर, आप? PTI को। PTI को। किसको देंगे सर वोट? हम किस लब्बैक वालों को। सर, आप? किसी को नहीं देना चाहिए, कोई हुक्मरान इस काबिल नहीं है जिनको वोट दें। हम सब खाने के लिए आए हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता, गरीब आदमी का सोचेंगे तो वोट देंगे ना भाई। हाँ जी, बहुत सारे इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? कैदी नंबर 804 को। कैदी नंबर 804 जो बिल आप पढ़ रहे हैं, आप बताएं कि वो अगर आ जाते हैं तो वो बिलों को कम करवा पाएंगे? इंशाल्लाह, उम्मीद है, कोशिश है, उम्मीद है। सर, आने वाले इलेक्शंस में आप वोट किसको देने वाले हैं? किसी को नहीं वोट। क्यों? मुल्क के लिए सोचता नहीं कोई, उनके लिए कोई सोचता नहीं है। सर, आप? मुश्किल सवाल है। हाँ जी। क्यों सर जी? क्योंकि कोई भी फेयर नहीं है। फेयर कोई नहीं है? हाँ जी। एक बंदा भी नहीं है? कोई नजर ही कोई नहीं आ रहा, कोई नजर आएगा तो उसको जरूर देंगे वोट, क्योंकि अगर हम नाम ही देंगे फिर भी पड़ जाएंगे वोट। तो वो नहीं देना चाहिए, जरूरी आप देना जरूर देना चाहिए। हाँ। आपको कौन पसंद है? इमरान खान को दे दो या उसको दे दो। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान को दे दो। सर जी, आपने आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देना? बात तो शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। देखिए बात सुने, अब जो हालात बने हुए ना, हमेशा वोट हमने नून लीग को ही दिया है। किसको दिया है? नून लीग को। इन्होंने 1.5 महीने के क्या करदार अदा किए इन लोगों ने। जरदारी भी ये सीनियर है, ये भी सीनियर है, इनको पता है नीचे का तबके का क्या हौला हो गया। रोटी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजली के बिलों ने मार दिया है, गैस के बिलों ने मार दिया है,
दालों का रेट कहाँ चला गया है, घी का रेट कहाँ चला गया है, जो एक लाख रुपये अभी तनख्वाह लेने वाला ना वो भी गुजारा नहीं कर सकता। ये तो मैं तो डर रहा हूँ कि लोग वोट लेने जाए, लोग इनको पकड़ ना लें। इलेक्शंस में वोट किसको देंगे? किसको ही सर, आप किसको देंगे? किसे देना वोट? वोट क्या करेगा दे के हम बताएं? कोई नहीं पसंद, कुछ भी नहीं होना, आप ऐसे ही होना। वोट जाया करेंगे? बिल्कुल जाया करेंगे, इनका वोट जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किसको देंगे आने वाले इलेक्शंस में वोट? पार्टियाँ तो सामने आ जाए, कौन कौन सी आती हैं उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन सच्ची बात में दिल किसी को नहीं करता देने को। पीटीआई आप सर? 804 कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804। अस्सलाम वालेकुम सर, आने वाले इलेक्शन में आप किसको देंगे? हम नवाज शरीफ को देंगे। सर आप किसको देंगे? कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804। आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को सर आप किसको देंगे आने वाले इलेक्शन? अभी तो फिलहाल किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे सर, आप किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को सर आप किसको देंगे? सारे चोर हैं ये। हाँ, किसी को भी नहीं देंगे? नमें सिरे से कबीना आनी चाहिए, ये सबको फारग कर देना चाहिए इनको, ठीक है? ये सारे चोर हैं ये। इलेक्शन में वोट किसको देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। मैम आप किसको देंगी वोट? इमरान खान। आप सर किसको देंगे? इमरान खान को। सर आप? नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्यों? नवाज शरीफ दिल की धड़कन है, जान है नवाज शरीफ। क्यों है? सारे बुरे काम वो मुल्क को बेहतर करेगा, मुल्क को बचाएगा आगे। मुल्क बर्बाद तो हो गया, इमरान खान ने बर्बाद किया तो है। सर आप किसको देंगे? इमरान खान को। सर वो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने मुल्क को बर्बाद किया। इमरान खान को नवाज शरीफ ने नहीं किया, इमरान खान ने बर्बाद किया। आप उल्ट चल रहे हैं। इमरान खान ने बर्बाद किया, नवाज शरीफ आके बहाल करेगा, नवाज शरीफ बचाएगा और ये कर्जे उतारेगा सारे। पाकिस्तान इंशाल्लाह पहली सबसे पहला मुल्क होगा, सबसे अमीर इंशाल्लाह। आपका भी यही कहना है? इमरान खान का आएगा तो फिर जो ऊपर से कह रहे हैं जब बिरयानी का डब्बा इन्हें देखना है, इन्होंने नवाज शरीफ को वोट डालना है। बिरयानी में से बोटियां निकालते? मैं तो इनको खिलाता हूँ। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। वोट किसको देंगे? वोट देखो नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? फायदे कोई नहीं है वोट देने का, महंगाई है नहीं, वोट देना की दे की करना है? वोट तो नहीं दिता जाए जिन्हें कुछ हाल हो करना हो, या कोई मसला मसल करना हो, या कोई फेवर करनी हो, जिन्हें पेट्रोल उतर जाने का उन्हें खाना खराब बना की वोट दे करना है। अच्छा वोट जाया का तो जब तो बेहतर है। जी तो नाज़रीन हम लोग मौजूद हैं 125 में और इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल चल रही है वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इस सूरत हाल में आवाम किसको जो है वो वोट देना चाहती है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रखे है और स्क्रीन पर आप जो है वो परसेंटेज देख सकते हैं कि कौन सी आवाम जो है वो किसको प्रमोट कर रही है। आप बताइएगा कि आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देने वाले हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।